खवातीन को साड़ियां बांटे। अरे वाह, चलो ठीक है, हिंदुस्तान एक वेलफेयर स्टेट है, हर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि हर तबके के लिए काम करे। मैं ऐलान कर रहा हूं, चलो भाई कोई हुकूमत चाहे वो कांग्रेस की हो या टीआरएस की हो, तहरीक की जानिब से, मुसलमानों की जानिब से मैं ऐलान कर रहा हूं, हमको 12% रिजर्वेशन नहीं चाहिए, हमको माइनॉरिटी फाइनेंस कारपोरेशन के ये 2000 करोड़ 3000 करोड़ नहीं चाहिए, शादी मुबारक नहीं चाहिए, हमको रमजान में इफ्तार के लिए बिरयानी और शेरवानी या साड़ी नहीं चाहिए। तेलंगाना में 5 लाख करोड़ रुपए की औकाफ की जायदाद है, कितने की? 5 लाख करोड़ रुपए की औकाफ की जायदाद है। 7 साल से एमपी रहे, एमएलए रहे, घर में सब कुछ रहे, कभी मुसलमानों के इस असासों की हिफाजत और मुसलमानों को यह हक दिलाने की किसी ने बात की? आज जो 15 साल से एमएलए, 25 साल से एमएलए है, आओ मैं डिबेट के लिए तैयार हूं तुम्हारे से, आज समान हालात पे 4 टीवी तुम्हारा टीवी में आके बात करने के लिए तैयार हूं कि जलसों की जरूरत क्या, तुम्हारे टीवी पर रिव्यू करो, घर घर में मुसलमान देख लेगा और फैसला कर देगा। मैं चैलेंज कर रहा हूं सदुद्दीन ओवैसी को कि आओ तुम्हारे 4 टीवी पे लाइव डिबेट करने के लिए तैयार हूं, बाबरी मस्जिद पे, दारुसलाम पे, मुसलमानों के हालात पे, औकाफी जजात पे, हर चीज पे बात करने के लिए तैयार हूं। लेकिन नहीं, कभी तुम कांग्रेस के साथ रहते हैं, फिर टीआरएस से हाथ मिलाते हैं, कभी किशन रेड्डी से भी हाथ मिला रहे, तो फोटो आ रहे, अरे आओ ना एक बार 4 टीवी पे हाथ बट के मिला के बात करके देखेंगे खुशी जाओ। किसी को भी इंकार है कहो बात से, किसी को इंकार है? मैं तो तैयार हूं, आओ 4 टीवी तुम्हारा, मैं अकेला आता हूं, सामने बात करेंगे। सारे घरों में मुसलमानों को एक दिन पहले ऐलान कर दीजिए कि आज ये टाइम पे गुफ्तगु होगी, आप लोग देख लो और फैसला करो। पूरे घरों में मुसलमान देख लेते और देख लेके फैसला कर देते क्या सही है क्या गलत है, 7 दिसंबर को बटन दबा लेते, बस फैसला करो। अब इससे आसान रास्ता क्या बताऊं भाई, कहीं को ये करोड़ रुपए बाजा डीजे ये बुढ़ी उम्र में भूला करके फिर रहे, ये सब भूजा रहे, कई ग्राम है कई लोग बोल रहे हैं आप भी फिर हूं भी फिर रहे। अरे मैं बोला हूं फिर रहा तो मैं कई को फिर हूं भाई, मैं जिस दिन निकल रहा है घर पे खटका मारूंगा, बात कर लूंगा घर घर जाके, बस है मेरे लिए घर पे खटका मारूंगा, अस्सलाम वालेकुम, ये मेरा नजरिया है, ये मेरा पैगाम है, ये मेरा पॉम्पलेट है। तुम 10 करोड़ रुपए खर्चा कर रहा, मैं एक पॉम्पलेट पे तहरीक का इंकलाब ला दूंगा या खुद पढ़ूंगा, खराब है। तुम 100 करोड़ रुपए खर्चा करो, मैं एक तकरीर करके यहाँ खुद पर मैं खराब ला के ये बताऊंगा, ये मजलूमों का आवाज है, मजलूमों की आवाज, और दुनिया देखेगी कि इस्लाम की तारीख दोहराई जाएगी, जहां मेरे आका ने फरमाया था कि हक ताकत है, ताकत हक नहीं हो सकती, आज हम हक को ताकत बोल रहे हैं। ये बहुत जने सोचे थे लेकिन कोई बाकी नहीं रहता था तारीख में, सिकंदर भी ये सोचा था, हर कोई यही सोचा था कोई पानी मेरे त्योहार से मुस्तकम हो, लेकिन आज सेंट्रल वक्फ काउंसिल की रिपोर्ट है, मैं आपसे तवज्जो चाहूंगा इस मसले पे और फैसला करते वक्त ये इस मसले को सामने रख के फैसला करो कि कल तुम्हारा नुमाइंदा तुम्हारे 5 लाख करोड़ की औकाफ की जायदाद दिला सकता क्या। आज तुमने आजमाया असदुद्दीन 15 साल से एमएलए, 10 साल से एमपी, अकबरुद्दीन 15 साल से एमएलए, मुमताज साहब 20-25 साल, अहमद पाशा खादरी साहब खिदमत 15 साल से एमएलए, कोई एक एमएलए, अरे मैं वादा कर रहा हूं एक मौका मिलेगा तो 4 महीने के अंदर हुकूमत का हिसाब किताब सीधा कर दूंगा अहमान असेंबली में, 4 महीने में, चाहे वो कांग्रेस की हुकूमत बने या टीआरएस की हुकूमत बने। क्या मल्लप्पा की खीर है मुसलमान? अरे अल्लाह कहीं ना कहीं किसी को पैदा करता किसी कौम का हक दिलाने के लिए, अल्लाह जालिम को खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं मजलूमों में से छूट के जालिम को छुका के बताता कि मेरी कुदरत ये है, मेरी ताकत ये है, आज हमारे पास कुछ नहीं है,
لیکن ہم جو مقابلہ کر رہے ہیں یہ اللہ کی قدرت کے جلوے ہے, یہ ہماری طاقت نہیں ہے, یہ اللہ کام لے رہا ہے. یہ لوگ جمع ہو رہے ہیں اور تحریک بات کر رہے ہیں. KCR کے خصیدے تقریر, KCR جیسا لیڈر نہیں ہے, سب معلوم ہے فرینڈلی پارٹی ہے. دلی کی سینٹرل ورک کاؤنسل کی رپورٹ تحقیق کے بعد تلنگانہ میں یہ اعلان کری کہ تلنگانہ میں 90% مسلمانوں کی اوقاف کی جائیداد آج غیروں کے قبضے میں ہے, لینڈ گریبروں کے قبضے میں ہے. اور سینٹرل ورک کاؤنسل کی رپورٹ نے یہ بھی ڈیمانڈ کیا کہ تلنگانہ کی حکومت کو چاہیے کہ CBI انکوائری کے ذریعے ہی اسکیم کو باہر لائے اور اسکیم میں انوالو تمام لوگوں کو قانون کے مطابق سزا دی جائے. کیا اسد الدین اویسی اور اکبر الدین اویسی آج مجھ سے اس پہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہے؟ بتاؤ. مرحوم ایک لیڈر تھا امان اللہ خان, زیب آباد کی مسجد ہو یا گتالا بیگم پیٹ کی عیدگاہ. آج گتالا بیگم پیٹ کی عیدگاہ 100 acres زمین آج 2000 crore روپے کے اوقاف کی جائیداد کے لیے کس نے رہا؟ مرحوم نے رہا. یہ آبادیاں کس نے وسائی جہاں حکومت مسلمان کو گھر بنانے نہیں دیتی تھی؟ ایک نیک کردار مسلم خائد رہتا تو قوم سرخرو ہوتی. اگر کوئی ایسا ہوتا اپنے مفادات کے لیے ہوتا تو مسلمانوں کی یہ حالت کر کے چلے جاتے.